वैसे बहुत बड़ा बड़ा हो गया है तुम्हारा, गौरव दबाने के लिए रखी हो कि नहीं? हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही दबा लेते हैं। लो, अगर ये काम भी खुद ही करना पड़े तब तो लानत है इसी जवानी पर। वैसे हम भी बहुत अच्छा दबाते हैं, कभी हमें भी ट्राई करो। बचपन में 2 रुपए देके बहुत मजे लिए हो हमारे, अभी तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगी। तो अब 200 ले लो। अरे भतेरी, हाँ? आज तुम सुबह सुबह यहाँ स्कूल नहीं गई? नहीं, वो मैं बताने आई थी, आज मास्टर जी के पिताजी का देहांत हो गया है, तो इसीलिए पिताजी ने कहा कि मटको के घर पे जाके पढ़ाई कर लो। हाँ ठीक है। अरे मटको, मास्टर जी के पिताजी का देहांत हो गया है तो आज छुट्टी है, तो तुम दोनों जाकर पीछे के रूम में पढ़ाई कर लो। वैसे दीदी, हम कह रहे थे कि हमको भी अच्छा पढ़ाना आता है। हाँ तो तुम पढ़ा दो बाकी इन दोनों को, जाओ पढ़ा दो। हमें किसी मास्टर जी की जरूरत नहीं है, हम खुद पढ़ लेंगे। तुम ज्यादा मत सियानी बनो, ठीक है? बाकी तुम पढ़ाओ जाके इन दोनों को, पढ़ा रहा है ना, जाओ अंदर जाओ। चलो। तो आज हम तुम दोनों को यौन शिक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। यौन शिक्षा? वो क्या होता है गुरुजी? यौन शिक्षा मतलब जब हम जवान होने लगते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग परिवर्तन होने लगता है। जैसे लड़कियों में स्तन का बढ़ जाना और शरीर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ोतरी होना। लेकिन मास्टर जी, हमारे नींबू तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। अपने इन नींबूओं को हमारे हाथ में देकर तो देखो, 2 दिन में आम बना देंगे। कुछ कहा अपने मास्टर जी? नहीं, मेरा मतलब है जब शरीर बढ़ने लगे तो हमें डरना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए मास्टर जी, और शरीर के किन हिस्सों में परिवर्तन होता है? तुम लोग खड़ी हो जाओ, फिर हम बताते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं खड़े होंगे, हमें नहीं पता करना, हमें तो सीखना। हाँ। है। अरे तुम इसके बहकावे में मत आओ, बचपन से जानते हैं हम इसको। अरे पर हमें तो यौन शिक्षा का मतलब सीखना है। ठीक है, फिर सीख लो। लगता है भाभी पड़ोसी के यहाँ गई है, फटाफट जाके कपड़े चेंज कर लेती हूँ वरना भाभी बहुत चिल्लाएगी। करिए ये लीजिए, चलिए। अरे दीदी दीदी, अरे दीदी, हाँ, अरे कहाँ चली गई दीदी? दीदी, हाँ, हाँ?
अरे अरे कौन हो तुम? मुंह में क्या दही जमा रखी है? बोलोगे? बोलो वरना चप्पल से मारूंगी। अरे बांके, तुम आ गए? अरे दीदी। अरे आओ आओ। अरे दीदी अभी आए हैं, आपने बताया नहीं कि बाकी तुम्हारे भैया हैं? वो क्या हुआ कि ना बहुत टाइम हो गया कि इसी वजह से शायद इसने पहचाना नहीं। बांके बिहारी हुँ? राजीव भैया के साले बहुत बड़े हो गए हैं ये तो। ये चकोर है ना। ये तो काफी बड़ी हो गई। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? और खूबसूरत भी। हाँ तुम बैठो, तब तक मैं तुम्हारे लिए जलपान लेकर आती हूँ। बैठो। हाँ, हाँ। बैठो ना। बैठो।